लोग? ठीक है सर। बढ़िया, चलो बढ़िया रहना चाहिए। देखो मौसम है थोड़ा उमस वाला बन गया है, ठीक है ना। थोड़ा अपने आप को ध्यान देना, काम लगातार मत करना, ठीक है ना। एक घंटे में 5 मिनट का रेस्ट लेना ही लेना है, ज़्यादा नहीं। अगर साइड इंजीनियर नहीं दे रहे हैं तो 5 मिनट का रेस्ट ले लो, पानी पीने के ही बहाने, ठीक है ना। हाँ, पानी पीने, बढ़िया से बैठ के आराम से पानी पी के फिर आप साइड पे चले जाओ, 5 मिनट बहुत है। कहीं पे देख लो, अगर हवा हवा है, हवा हवा अच्छे से ले लो, ठीक है ना। मैं आप लोग को आज जो है, सबसे पहले आज जानते हैं हम सेफ्टी क्यों फॉलो करते हैं, सेफ्टी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, कोई बताएगा? क्या चीज़ है सेफ्टी? हमारा बचाव करता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, सुरक्षा एक ऐसा रास्ता जिसको हम अपना के क्या कर सकते हैं, खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, प्लस अपने प्रॉपर्टी को सेफ रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम सेफ रहेंगे तो हमारी पीछे परिवार भी हमारे सेफ रहेंगे, ठीक है ना। अगर हम ही डैमेज हो जाएंगे, हमारा हाथ अगर सपोज दैट टूट जाएगा, 1 महीने हम बैठ गए घर पे, ठीक है ना, 1 महीने बैठ गए, हाथ अगर टूट जाता है 1-2 महीने लग ही जाता है ठीक होने में, है तो 1-2 महीने की दिहाड़ी कंपनी देगी? देगी नहीं? देगी ना। तो इसलिए खुद को क्या रखना है, सेफ रखना है, ताकि अगर मैं सेफ रहूँ, मैं पैसे कमाऊँ, घर पे पैसे भेजूँ, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, माँ की दवा चल रही है, पिताजी का दवा चल रहे हैं, ताकि उनको मैं पैसे भेज के दवा का पैसा निकाल दे सकूँ, उनको बच्चे का फीस दे सकूँ, इसलिए हम लोग कमाते हैं ना। तो साइड पे हमारा एक पार्ट आता है सेफ्टी का, ठीक है ना, जो हम आपको हमेशा डांटते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। आप लोग कभी देखे हो सेफ्टी वाले के अलावा कोई साइड पे आपको बोलता है सेफ्टी का ध्यान दे ले? कोई बोलता है? नहीं बोलता है ना। मैं ही क्या हूँ, डांटता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, हाँ भाई हेलमेट लगा ले, सेफ्टी बेल्ट लगा ले, जैकेट पहन ले, बोलता हूँ ना। किस लिए बोलते? ताकि आप लोग सुरक्षित रह सको, ठीक है ना। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केवल सेफ्टी वाला ही जिम्मेदारी ली भी आप लोग को सेफ रखना है, अपने आप को भी, ठीक है ना। मेरा तो बस एक अहम भूमिका है, मतलब हम एक जैसे दिखावे के लिए नहीं होता है, हमें दिखावे के लिए यहाँ साइड पे लगा दिया गया है, भाई चलो सेफ्टी वाला है वो, हमें देख के आप लोग क्या खुद को सोचो सेफ्टी मतलब सुरक्षा में करना है, ठीक है ना। समझ गए? नहीं, एक आपको याद दिलाने के लिए होता है, लेकिन आप खुद को अपने जो है भेजे में भर लो, ठीक है ना, कि हमें सुरक्षित खुद रहना है और खुद देखना है अपने आप को, ठीक है ना। क्योंकि मैं हर समय हर एक बंदे के पास नहीं रह सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब लेकिन आप लोग की लापरवाही क्या है, जब साइड पे मैं जाता हूँ, मुझे देखने के बाद जो है आप लोग क्या करते हो, हेलमेट वगैरह लगाते हो, नहीं देखता हो बिना हेलमेट कहीं गड्ढे में कहीं बैठे रहते हो, गर्मी के लिए थोड़ा देर हटा लेता है, ठीक है ना। साइड पे मत बैठो, आप बैठना है कहीं ऐसे जगह बैठो ताकि आप जहाँ सेफ रह सको, ठीक है ना, साइड पे मत बैठो। लेकिन देखता हूँ काम के दौरान भी आप लोग क्या बिना हेलमेट कहीं काम करते रहते हो, इतना गर्मी है, उमस हो रही है इतना ज़्यादा, काम करते करते आँखों से अंधा आने लगता है, चक्कर आए, गिर जाओ किसी सरिये पे, सरिये घुस गया अंदर, फिर क्या करोगे? फिर शाम को फोन आएगा, हाँ माता जी चोट लग गई है मुझे, तो माता जी तो दुखी हो गई, पिताजी दुखी हो गए, बच्चों को बताओगे, पापा पापा बोलेगा पापा मुझे फीस भेज देना अगले महीने, बच्चों मुझे चोट लग गई है इस महीने नहीं पैसा भेज पाऊँगा, कितना तकलीफ होगा, तकलीफ होगा ना। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपने आप को खुद ध्यान दो, खुद सेफ रहो, कोई नहीं यहाँ देखने वाला है, ठीक है ना। हाँ, आप लोग काम के अलावा अपना सेफ्टी भी ध्यान दो, ठीक है ना। जो पीपीज आपको दिए गए हैं आप अच्छे से उसको पहनो, आपको ये हेलमेट दिया गया है, हेलमेट की पट्टी आप लगा के रखो, ताकि अगर आप गिरते हो तो आपके हेलमेट आपके सर पे रहे, ठीक है। और बाकी लोग ये क्या करते हैं, जैकेट ये जो दिया गया है, आप लोग क्या कर रहे हो, ये जैकेट ऐसे खोल लेते हो फिर इसके बाद ऐसे चल रहे हो, ये क्या है, ये इसमें स्टिक दिया गया है, पट्टी चिपकाने वाला दिया गया है, इसे चिपका के रखो, जब ऐसे चलोगे कहीं सरिया बगल में है क्या होगा, फंसेगा, फट जाएगा, बोलोगे सर फट गया हमारा जैकेट, ऐसे ही फटता है जैकेट। और बाकी इसको अगर ऐसे करके रखोगे तो शर्ट आपका कभी फटता है? नहीं फटता है ना, क्योंकि ये क्या पकड़ के रखता है, आप बटन बंद करके रखते हो, इसको भी क्या करो आप, ये जो चिपकाने वाला दिया है इसको चिपका के रखो आप, देखो अभी भी उनका खुला है, सब लोग अपना अपना बंद करो पहले, समझ गए ना, इसको चिपका के रखा करो। और बाकी ये टॉयलेट जो यहाँ पे है, ये अपना टॉयलेट है, ये स्टाफ के लिए है, ठीक है,
ये स्टाफ के लिए है, आप लोग के लिए अलग बनाया गया, आप लोग उसको यूज़ करो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जीएम साहब ने मुझे कंप्लेंट कर रहे थे, विशाल थोड़ा बंदों को अलर्ट कर दो यहाँ पे नहीं आएंगे, नहीं तो बाकी फ़ोटो खींच के उसके उनके ऊपर पेनाल्टी लगाओ, 100 रुपये की पेनाल्टी अगर कोई उसमें पकड़ा गया तो, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई पकड़ा गया, कोई भी जो भी देखे, कोई लेबर भी देखता है, कोई बंदा वहाँ पे गया लेबर वाला, तो आप भी फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई भी गया हो, कोई भी फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजो, मैं उसके ऊपर पेनाल्टी लगाऊंगा 100 रुपये का, ठीक है ना। सब सब अलर्ट रहो, किसी को भी देखो वहाँ पे, स्टाफ को छोड़ के, ठीक है। नहीं, स्टाफ को छोड़ के नहीं, नहीं, वर्कर भाई को बोल रहा हूँ मैं। आप लोग के लिए जब स्पेशल उधर बनाया गया है, फिर क्यों यहाँ पे जाते हो? जब कोई स्टाफ जाता है वहाँ पे, आप ही लोग लाइन लगाए रहते हो, ये बताओ, समझ गए ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। और बाकी आप लोग अपनी झुग्गियों में रहते हो ना, तो जब जाते हो शाम को, तो सबसे पहले झुग्गी में लाइट मार के देख लिया करो, कहीं साफ वगैरह ना बैठा रहे, ठीक है ना। क्योंकि उधर जंगल वंगल है, सब आ जाता है, बिच्छी उच्छी भी आ जाती है, ठीक है ना। एक बार आप क्या करो, देख लो, सोने से पहले बिस्तर को अच्छे से झाड़ वाड़ के, फिर इसके बाद क्या करो, बिस्तर को फिर से लगाओ, ठीक है ना। डेली बिस्तर अलग से लगाओ, ठीक है ना, बढ़िया से देख के। तो खाना पीना खाओ, बस मस्त हाथ वगैरह धो के तब खाओ, ठीक है ना। और नाखून अपना ध्यान से देख लेना, नाखून किसका किसका बड़ा है, नाखून जिसका बड़ा रहे उसको काट लिया करो, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे, ठीक है ना, नाखून से ही। तो इसको आपको ध्यान देना है। और बाकी अपना एक इमरजेंसी हूटर है, पता है आपको, जो बजता है सायरन है जी। उसके वो अगर वो बजता है कभी भी इन द केस है, तो आप लोग को जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के यहाँ पे आ जाना है, ठीक है ना। इमरजेंसी हूटर मतलब हूँस बोलोगे, जैसे सायरन नहीं होता है उस वैसा बोलेगा, ठीक है ना। कभी भी बज सकता है, जितने बंदे को सुनाई देता है वो क्या करे, तुरंत यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। ये मत पूछो क्या हुआ कहीं नहीं हुआ, अगर वो बजता है कभी भी, ठीक है ना, आपको यहाँ पे आ जाना। अगर इधर से बजता है, अगर उधर से बजता है तो कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं, वो अपना देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर अपने तरफ से बजता है यहाँ से, तो क्या करो, इधर आ जाओ, ठीक है ना। अगर कुछ उधर होगा तब भी हम यहाँ से हूटर बजा के आप लोग को बुला लेंगे हम, ठीक है ना। अपनी कान खोल के हमेशा रखा करो, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी देखता हूँ कोई कोई बंदा ईयरफोन लगाए रहता है, ठीक है ना, स्टाफ भी बुला रहा है तो स्टाफ को बातें भी नहीं सुन रहा है, वो अपना मस्त धुने में अपने है ईयरफोन में ही है। अगर कोई बंदा ईयरफोन लगाते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर भी 200 रुपये पेनाल्टी है ईयरफोन पे, ठीक है ना। ये भी कोई भी फ़ोटो हमें भेज सकता है किसी का भी, ठीक है ना। हाँ, कोई भी अगर ईयरफोन पकड़ा गया तो। और सभी स्टाफ का आप क्या करो, रिस्पेक्ट करो, और सभी वर्कर भाई का भी रिस्पेक्ट करो, समझ गए ना, क्योंकि एक फैमिली हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।